तो आइए हम वचन शुरू करते हैं। आज का जो प्रचार है मैं सवाल और जवाब से करना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने माँ बाप से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? हालेलुया, पक्का बहुत प्यार करते हैं अपने माँ बाप से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी कीमत पर उनको नाराज नहीं कर सकते। हालेलुया, आपको बीमारी आए, आपको दुख आए, आपकी नौकरी छूट जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ते हैं? नहीं। छोड़ते हैं कभी? नहीं। कि नौकरी चली गई, चलो बाप को छोड़ दिया, धंधा बंद हो गया, अभी माँ से रिश्ता खत्म, कभी ऐसा होता है? हेलो, हाँ के ना जवाब दीजिए। तो फिर परमेश्वर को क्यों छोड़ देते हैं? परमेश्वर को क्यों छोड़ देते हैं? हेलो, ध्यान दीजिए। आपकी दुखती नब्ज पर मैंने हाथ रख दिया है अभी। आपके जीवन में दुख आए, बीमारी आए, कष्ट आए, नौकरी छूट जाए, धंधा खत्म हो जाए, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं कभी? नहीं छोड़ते, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर अच्छा नहीं, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर में सामर्थ नहीं है। मैन, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को पिता माना ही नहीं है। अगर आप उस परमेश्वर को पिता मानेंगे तो आपको उसे छोड़ने का ख्याल कभी आएगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से हमारे जीवन में हमारे माँ बाप की अहमियत है, उससे ज्यादा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर की अहमियत है। हालेलुया। हमारे सिस्टर मैरी आई थी, पास्टर थॉमस की पत्नी। फिर पास्टर थॉमस का निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई, दोनों बच्चों की डेथ हो गई। क्या सिस्टर मैरी ने अपने माँ बाप को छोड़ा? माँ बाप को छोड़ा? नहीं छोड़ा। सारी कलीसियाएं प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु सिस्टर मैरी का विश्वास बढ़ा, उनका विश्वास कम ना हो जाए, वो प्रभु तुझसे दूर ना हो जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि सिस्टर मैरी ने परमेश्वर को पिता माना है, इसलिए आप प्रार्थना कर रही हैं। हालेलुया। लेकिन जब सिस्टर मैरी को महसूस हुआ कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पति को की मौत हो गई, मेरे बच्चों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी मेरा पिता परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? वो दयालु है, वो कृपालु है, उसकी दया सदा की है। इसलिए अगर आप उस पिता परमेश्वर को, उस परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान रचयिता को अपना पिता मान लेंगे मेरे भाई, तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए आप उसे छोड़ने की नहीं सोचेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम में, हमारी सोच में कितना अलग डिफरेंस है। हम जमीनी पिता को ज्यादा अहमियत देते हैं। जमीनी पिता हमारी शारीरिक चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। हमारे शरीर के कपड़ों को, रोटी को, हमारे रहने के लिए, हालेलुया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन स्वर्गीय पिता हमें हर चीज देने की गारंटी देता है। स्वर्गीय पिता ही हमें जमीनी पिता से मिलवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139:13। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से वो परमेश्वर हमारा पिता है। हमारा असली पिता परमेश्वर है। जमीनी पिता तो एकमात्र है, माध्यम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीनी पिता जिसको हम देखते हैं रोज, जमीनी माँ जिसको हम रोज देखते हैं, उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, संदेह नहीं करते। लेकिन वो पिता जिसने हमें जमीनी पिता से मिलवाया, वो पिता जिसने हमें जमीनी माता के कोख में डाला, वो पिता जो हमें पूरी तरीके से आजाद करके हमें आशीष दे रहा है, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हमने उसे पिता नहीं माना है। तो आज
हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है। पढ़िए बेटा भजन संहिता 139:13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, आमीन, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आपकी माँ के गर्भ में रचने वाला कौन है? पिता, यीशु मसीह। आपके पिता ने, जमीनी पिता ने आपको आपकी मां के गर्भ में नहीं रचा है। कोई गारंटी नहीं ले सकता है, कोई है दावा कर सकता है कि अगले साल मेरा बच्चा होगा? प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्गीय पिता, वो सर्वशक्तिमान, वो यीशु मसीह जो दाता है, जो स्वामी है, उसने हमें हमारी मां की कोख में रचा है। आमीन। भजन संहिता 71:6। वो है जो हमें अपनी मां की कोख में रचने वाला है, बनाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका असली पिता परमेश्वर है जिसने आपको आपकी मां की कोख में रचा है बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 71:6। मैं गर्भ से निकलते ही हाँ तेरे द्वारा संभाला गया। आमीन। रचने वाला कौन है गर्भ में? मुझसे बात करिए, कौन है रचने वाला? परमेश्वर। मुझसे बात करिए, आपकी मां के घर में रचने वाला कौन है? बोलिए परमेश्वर। और वचन क्या कहता है कि मां के गर्भ से, कोख से निकालने वाला तू है। वो डॉक्टरों के हाथ नहीं होते हैं, वो नर्सिस के हाथ नहीं होते हैं, वो आपके पिता के हाथ होते हैं। जब आप अपनी मां की कोख से बाहर आते हैं, आपके पिता के हाथ, आपके पिता की बुद्धि, हालेलुया, उसका सामर्थ। भजन संहिता 139:16 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन मेरे भाई आपने उस परमेश्वर को जिसने आकाश और धरती बनाया है, उस रचयिता को जिसने हर चीज जो आप देखते हैं हर शय को बनाया है, वो हमारा पिता है। जिस दिन आपने उसे अपना पिता मान लिया, जिस दिन, मैं विश्वास कराता हूं, ध्यान दीजिए, जिस दिन आपने उस परवरदिगार को, उस परमेश्वर को अपना पिता मान लिया, उस दिन से उसका चरित्र आप में आना शुरू हो जाता है। उस दिन से उसका स्वभाव आप में आना शुरू हो जाता है। उस दिन से आप महसूस करते हैं एक अद्भुत आशीष को, एक अद्भुत कृपा को, एक अद्भुत अभिषेक को आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपने उसे अपना पिता मान लिया है। ध्यान दीजिए मेरी बहन, आप अपने बच्चे में अपना रूप देखते हैं। हालेलुया। किसने बताया कि आप मिस्टर जो अभी आपके पिता का नाम है, मिस्टर वर्मा के, मिस्टर गुप्ता के बेटे हैं? किसने बताया आपको? आपकी मम्मी ने। प्रेज द लॉर्ड। किसने बताया आपको? आपकी मां ने कि ये तुम्हारा पिता है। आपको बताने वाला कौन था कि ये तुम्हारा पिता है? कौन था? आपकी मां। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह धरती पर आकर अपना बलिदान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर आपको बताता है कि वो आपका पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई थी, मती 6:9, क्या प्रार्थना थी बिगनिंग में? हे हमारे पिता। उसने अपने चेलों को बताया, चेले बोल रहे थे पिता, चेले बोल रहे थे गुरु हमें प्रार्थना करना सिखा कि हम अपने परमेश्वर से, अपने भगवान से, अपने रचयिता से, अपने सर्वशक्तिमान प्रभु से कैसे प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा उसको, बोलो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आमीन, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में होती है पूरी, वैसी जमीन पर पूरी हो।
हालेलुया, पिता। यीशु ने बताया कि वो हमारा पिता है, हमारा संबंध उसके संग पिता जैसा है। सवाल प्रॉब्लम यही है कि हम उसे अपना पिता नहीं मानते, हम उसे कोई यूज करने की चीज मांगते हैं, जैसे आप कुर्सी को यूज करते हैं। आए, कुर्सी को यूज किया आपने, बैठे, कुर्सी हिल रही है, देखा दूसरी कुर्सी है, उस पर बैठ गए। Yes. और चले गए। Praise the Lord. आप परमेश्वर को एक यूज करने की चीज समझते हैं, इसलिए आप वो आनंद नहीं ले पाते हैं जो पिता और पुत्र के रिश्ते का है, नहीं ले पाते हैं आप। आपका आनंद का पूरा होता है जब आपका बच्चा जन्मता है, जब आपका बच्चा धरती पर आता है और आपकी बीवी के द्वारा जन्म लेता है, आपका आनंद पूरा होता है। कब आपको आनंद मिलता है, कब याद है? जब आपका बेटा आपको पिता कहता है। आमीन। जब आपका बच्चा बड़ा होता है, एक साल का, डेढ़ साल का, आप तड़पते हैं और वो आपका बच्चा आपको पापा कहता है, अद्भुत आनंद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हालेलुया। वो पल इतना अद्भुत होता है जब हमारा बच्चा हमें माँ कहता है, पिता कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यही आवाज सुनने के लिए तो आप तड़पते हैं। आप किसके लिए तड़प रहे हैं? आप अपने बच्चे को जन्म देने के लिए क्यों आप सेक्रीफाइस, आप धीरज धरते हैं, तकलीफें उठाती हैं उसको पैदा करने के लिए, अपनी जिंदगी भूल जाते हैं आप, मैंने अपने बच्चे को पैदा करना है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप सारी तकलीफें भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जब वो आपको माँ कहता है, जब वो आपको पिता कहता है, तो अद्भुत आनंद आपको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वही आनंद परमेश्वर चाहता है, वही आनंद परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है वही आनंद तेरे जीवन में बना रहे, क्योंकि तू जब मुझे पिता कहेगा, तू जब मुझे पिता समझेगा, तू जब पुत्र जैसा व्यवहार मेरे संग करेगा, तो अद्भुत आशीष पाएगा, अद्भुत। निर्गमन 20:12 में परमेश्वर की एक आज्ञा है, एक्सोडस 20:12, कि अपने मां बाप का आदर करो। कौन सी आज्ञा है? अपने मां बाप का आदर करो, तुम्हारी आयु के दिन बढ़ जाएंगे। तो बच्चे को संभालिए प्लीज। हेलो, क्या आज्ञा है? अपने मां बाप का आदर करो, तुम्हारी आयु के दिन बढ़ेंगे, तुम्हें आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जब जमीनी पिता के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है कि अपने जमीनी पिता का, अपने जमीनी मां का तुम आदर करो, तुम्हें अद्भुत आशीष दूंगा। अगर सोचिए, आप स्वर्गीय पिता का अगर आदर करेंगे, अगर स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं पर चलेंगे, तो कितना आशीष मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। कितना आशीष मिलेगा आपको। आप आशीषों के लिए, अपने सुख के लिए मेहनत करते, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी बाइबल क्या कहती है? कि आप पिता का आदर करो, पिता का सम्मान करो, उसकी आज्ञाओं पे चलो। हम लोग कहते हैं पिता परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा। किस चीज में विश्वास बढ़ा? प्रेज द लॉर्ड। बंद करो मोबाइल। किस चीज में विश्वास बढ़ा? कि मैं आपका बच्चा हूं? अरे विश्वास नहीं, वो संबंध क्या कहलाता है?
पिता और पुत्र का संबंध। इसलिए यूहन्ना 1:12 क्या कहता है, जिसने उस पर विश्वास किया उसने उसे संतान होने का अधिकार दिया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास ये मौका है, आज का वचन आपको अद्भुत आनंद हमेशा के लिए दे सकता है, अगर आप आज के वचन पर विश्वास करेंगे। जो देख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, अगर आप आज के वचन को समझेंगे और सुनेंगे और विश्वास करेंगे, अद्भुत आशीषें आपके जीवन में बहेंगी। जिस दिन उसे आप पिता मान लेंगे, पिता मान के आप उसके उसके साथ व्यवहार करेंगे, आपकी आशीषों का अंत नहीं होगा, आपके आशीष आपके आनंद का अंत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसी ने हमें मां के गर्भ से रचाया है। भजन संहिता 139 का 2-3-4 पढ़िए, वो हमारा पिता क्यों है, क्यों मैं कह रहा हूं कि वो हमारा पिता है, वचन कहता है कि वो हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड, वही सच्चा पिता है। ये जमीनी पिता आपको तब भी छोड़ देगा, लेकिन वो पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 139 का 2 क्या कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर आपका उठना बैठना जानता है। आपको पता जब आप उठते हैं तो क्या सोच होती है, जब आप बैठते हैं किस सोच में बैठते हैं, वो जानता है। वो आपको इतना जानता है क्योंकि उसने आपको अपनी मां के गर्भ से बनाया है, मां के गर्भ में रचा है, आपके मां के गर्भ से निकाला है। वो आपका उठना बैठना जानता है। आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जो विचार आपके मस्तिष्क में आने वाले हैं, हेलो, जो मस्तिष्क में आपके विचार, 5 मिनट के बाद क्या विचार आएंगे पता है आपको, 5 मिनट के बाद क्या सोचेंगे आपको पता है, उसको पता है। हेलो, जो आपके विचार आपके मस्तिष्क में आने वाले हैं, जो दूर हैं आपसे, उनको जान लेता है। एक तो उसका मतलब ये हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक मतलब क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं, आपने अपने विचारों को बोला नहीं है, लेकिन परमेश्वर दूर से ही उन विचारों को समझ लेता है। वो है आपका पिता, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसका अगला वचन क्या है, बड़ा पढ़िए बड़ा, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ? और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। अगला, हे युवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं आती जिसे तू ना जानता हो, क्योंकि तू मेरे विचारों को जानता है। मेरे विचार जो अभी तक मेरे मस्तिष्क में है, मेरे मुंह में नहीं आए हैं, तू इनको जानता है। इसलिए वो हमारा पिता है, इसलिए वो आपको समझता है, इसलिए वो आपकी कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि आपको कौन सा दुख है, वो जानता है कि आपको कौन सा कष्ट है, वो जानता है कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लड़ रहे हैं। अब वो जानता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हताश कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अशांत कर रही है, वो जानता है। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर रहा, इब्रानियों 4:15, इसीलिए मनुष्य का पुत्र बनकर रहा। वो महायाजक था, कष्ट सहे, लेकिन पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है मेरी बच्ची कि तुझे दर्द होता है, क्योंकि वो दर्द उसने भी सहा है। वो जानता है कि तुझे लज्जा आती है, लज्जा उसने भी सही है। वो जानता है कि तुझे भूख लगती है, भूखा वो भी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 4:15 क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम जरा सा परखे जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पाप कर बैठते हम। जरा सी आजमाइश हमारे जीवन में आती है, हम पाप कर बैठते हैं। कोई टेंशन आई, कोई प्रॉब्लम आया, नौकरी का, पैसे का, रिश्ते का, कुछ भी आया, हम परखे जाते हैं और हम आजमाइश में आ जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन यीशु हमारा महायाजक, जो हमारी तरह ही परखा गया, हमारी तरह ही उस पर कष्ट पड़े, लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया। आमेन। हेलो, क्या लिखा है? उसने पाप नहीं किया। पाप ही तो था जो आपको आपके पिता से दूर कर रहा था। पापी तो था जिसने आपको आपके पिता से दूर कर दिया था। यीशु धरती पर आया, अपने लहू से आपको शुद्ध किया, पाप को निकाला और परमेश्वर से आपको मिलवाया। यही तो है। आमेन। यीशु आया, उसने लहू बहाकर हमें शुद्ध किया, मेरी बहन, उससे मिलवाया उसने। किससे? हेलो, किससे मिलवाया? पिता से मिलवाया। यूहन्ना 17:11, हमें अपने पिता से मिलवाया। हम खोए हुए थे, हम पाप की वजह से खोए हुए थे, हमारी बुद्धि बंद थी, हम भटक रहे थे, पत्थरों पर अपने सर को पटक रहे थे, लेकिन वो आया, उसने हम पर दया की। हम खोए हुए थे, उसने हमें उठाया, हमें चट्टान पर बिठाया, दलदल में से निकाल कर, कीचड़ में से निकाल कर चट्टान पर उसने हमें खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और किससे मिलवाया? पिता से। बोलिए हमें, जोर से बोलिए हमें, यीशु ने हमारे पिता से मिलवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं वो स्वर्गीय पिता, वो रचयिता सर्वशक्तिमान, जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका पिता है। और आपका पिता पता क्या देखता है? आपके शरीर को नहीं देखता आपका पिता, आपका पिता आपके मन को देखता है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे अंदर से पिता मानते हैं। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जब भी आप अकेले हो ना, उसे बोलिए पापा मेरी ये चिंता है, पापा मुझ में ये कमी है, पापा मैं अकेली हूं, पापा मुझे बुद्धि दे, पापा मुझे ज्ञान दे, पापा तेरी उपस्थिति को मैं महसूस करूं, हे पापा। आप देखिए अपने पापा को आप महसूस करेंगे, अपने पिता की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे, उसका हाथ आपके सिर पर आएगा। हालेलुया, वो आपका पिता है, और अभी से नहीं है, उत्पत्ति से पहले पिता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यूहन्ना 17:11, देखिए ध्यान से सुनिए, अब मैं जगत में न रहूंगा। हाँ, वो चेलों से कह रहा, अब मैं जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। आमेन। पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता, तेरे बच्चे जिनको तूने चुना है, जिनको तूने मुझे दिया है, ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। आमेन। आगे, हे पवित्र पिता, ध्यान दीजिए, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उसकी रक्षा कर। आमेन। कि वे हमारे समान एक हो। आमेन। उस नाम के द्वारा, कौन सा नाम दिया यीशु मसीह को परमेश्वर ने? यीशु मसीह को धरती पर जब वो आया तो पिता का नाम दिया है। परमेश्वर पिता बनकर यीशु के साथ रहा। वो क्या बोलता है? यूहन्ना 1:12-14, यूहन्ना 12:49-50, कौन सा नाम?
परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, पिता अपने उस नाम को दे, यानी कि वो नाम जो पिता का नाम है। अब तक तू दुनिया के लिए परमेश्वर था, तू दुनिया के लिए सर्वशक्तिमान एलोही था, लेकिन तू मेरे इन बच्चों के लिए पिता है। प्रेज द लॉर्ड। पिता के रूप में परमेश्वर ने हम परमेश्वर को हमसे मिलवाया यीशु मसीह ने। इसलिए उसने बोला कि मैं कुछ नहीं करता हूं, यूहन्ना 12 का 49 और 50, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आमीन। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने अपनी ओर से चमत्कार नहीं किए, मैंने अपनी ओर से उपदेश नहीं दिए, मैंने अपनी ओर से आपको नहीं चुना, उस पिता ने जो स्वर्ग में है, जो आपका पिता है, जो मेरा पिता है, मैं उसको करते जो देखता हूं वो आपको बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें पिता का नाम दिया है, वो नाम जो सुरक्षा देता है, वो नाम जो हमारे साथ रहता है, वो नाम जो बुद्धि देता है, वो नाम जो प्यार करता है। और दाऊद ने उस नाम को जान लिया था, दाऊद ने बहुत अच्छी तरीके से उस नाम का बखान किया है। हालेलुया। भजन संहिता 23 क्या कहता है? मेरा पिता मेरा चरवा है। हालेलुया। दाऊद जान गया था जिस दिन आप उस परमेश्वर को अपना पिता मान लेंगे उस दिन मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मेरा पिता मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। लगाइए, निकालिए पहला भजन संहिता 23 का पहला निकालिए। दाऊद जान गया था कि वो परमेश्वर नहीं है, वो पिता है। आपको पता है दाऊद जब भी लड़ने जाता था उससे बात करता था, पिता मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं अगर लड़ूंगा तो क्या मैं जीत जाऊंगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं बचा पाऊंगा अपने सैनिकों को? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने पिता से पूछ रहा है वो। कोई भी काम करने से पहले दाऊद पिता से पूछता था। आपको पता है दाऊद और सुलेमान के बाद परमेश्वर ने किसी भी राजा से बात नहीं की। सुलेमान के बाद उसका बेटा हुआ रहुबियाम, सुलेमान तक परमेश्वर ने दर्शन दिए, बात की, क्योंकि उसके बाद उन राजाओं ने उसे पिता मानना बंद कर दिया। आप उसके संग पिता जैसा रिश्ता रखेंगे, पुत्र और पिता का रिश्ता रखेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलेगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको संयम देगा, परमेश्वर अपना चरित्र देगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है चरवाई का मतलब क्या है? कैसे वो कह रहा कि मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी? कि जो चरवाहा है, जो पिता है ना, वो अपनी भेड़ों को कहीं ले जाने से पहले खुद जाता है, वो खुद जाकर देखता है कि मैं अपने बच्चों को लाने वाला हूं, यहां घास है कि नहीं है, यहां झरना है पानी पीने का कि नहीं है, मेरे बच्चों की भूख पूरी होगी कि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी क्योंकि मेरा पिता मेरा चरवा है, मेरा परमेश्वर मेरा चरवा है। हन्ना ने, प्रेज द लॉर्ड, जिस दिन हन्ना ने उस परमेश्वर को पिता माना, जिस दिन हन्ना ने उसकी कीमत समझी, उस दिन उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मुझे बच्चा देख, मेरी कोख खोल, इस बच्चे को मैं तुझे सौंप दूंगी। और क्या किया उसने?
तीन साल तक अपना दूध पिलाती रही और बताती रही कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी मां यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर, हमारे जब बच्चा होता है, हम कहते हैं देखा ये तेरी चाची है, ये तेरी मामी है, ये तेरी ताई है, देख 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 देख, तेरी शक्ल मिलती है ना उससे, तेरी आंखें मिलती हैं मुझसे, हालेलुया, देखो 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 मेरी आंखें उससे मिलती हैं, मैं उसका पिता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं हूं उसकी मासी, देख मेरी मेरी नाक भी मिलती है, हालेलुया। आप अपने बच्चे को अपने समाज से मिलवाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, भजन संहिता 127:3, परमेश्वर आपको बच्चा क्यों देता है आपको पता है? परमेश्वर आपको बच्चा क्यों देता है? परमेश्वर ने धरती बनाई, धरती सजाई, उसके बाद आदम को अधिकार दिया कि धरती पर अधिकार कर ले। उसे ये नहीं कहा, धरती पर अधिकार किसका दिया? किसको दिया? आदम को। लेकिन आदम पर किसका अधिकार था? परमेश्वर का। हालेलुया, परमेश्वर हमें बच्चा देता है। भजन संहिता 127:3 क्या कहता है? देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, भाग है। आपके जो बच्चे परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर इसलिए देता है बच्चा ताकि आप एक दान के रूप में उसे रखें, ताकि आप उन बच्चों को पिता के बारे में बताएं, उस परमेश्वर के बारे में बताएं जो आपका पिता है, जो सबका पिता है। इसलिए बच्चे देता है परमेश्वर। हम दुनिया से उसे मिलवाते हैं लेकिन पिता से नहीं मिलवाते हैं। इसलिए कलीसिया बनाई गई ताकि यहां पर बच्चे आए, संडे स्कूल हो और बच्चे पिता के बारे में जानें कि हमारा असली पिता कौन है। और जिस दिन हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ये वचन बैठ जाएगा कि हमारा पिता हमारा परमेश्वर है, आपके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर का भय होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जमीनी पिता हमें क्या देता है? हमारी शारीरिक चीजों को पूरा करता है, लेकिन स्वर्गीय पिता हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जमीनी पिता से आप क्या लेते हैं? रोटी कपड़ा और मकान लेते हैं आप लोग? क्या आपका पिता आपको रोटी देता है, कपड़ा और मकान देता है? परमेश्वर कहता है मत्ती 6:31, तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, उसके बाद तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कहां है ये वचन? 31:33 पढ़िए, भजन सही, ये अपना मत्ती 6:31-33 पढ़िए, ध्यान दीजिए, समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए वो क्या कह रहा है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, yes. या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, yes. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। धर्म की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। उसकी धार्मिकता क्या है? अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो परमेश्वर कहता है कि मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे पिता जानो, तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। जिस दिन आपने परमेश्वर को पिता मान लिया, जिस दिन आपने उस परमेश्वर को पिता मानकर ग्रहण कर लिया और विश्वास किया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कहां रहेंगे, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करती हैं घर में? आप अगर अपने पिता के घर में रहती हैं, आप चिंता करते हो क्या खाएंगे? कभी की आपने चिंता? आप घर में रहते हैं, पढ़ते हैं, खेते हैं, पीते हैं, मन हुआ पैसा मांगते हैं, ड्रेस मांगते हैं, कभी आपने कि पापा इस महीने की फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पापा
आज शाम को हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी कभी चिंता की आपने? कभी चिंता की आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि आप ऑर्डर देते हैं, पापा आज ये चाहिए, पापा कल ये चाहिए, पापा मेरे दोस्त के पास गए मुझे भी ये चाहिए आजकल, और आज तो बड़े बड़े ऑर्डर हैं, मोबाइल चाहिए, 40,000 का मोबाइल चाहिए, 50,000 का मोबाइल चाहिए, बड़े बड़े डिमांड आजकल बच्चों की होती है। ब्रेस अलॉट। बाइबल कहती है जो सारी डिमांड्स को आपका जमीनी पिता पूरा कर लेता है, पूरा कर सकता है, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। जब आपका जमीनी पिता आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है तो आपका स्वर्गीय पिता आपकी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा? करेगा, अगर आप उसे पिता मानेंगे तो। आप उसे पिता ही नहीं मानते, आप उसे परमेश्वर मानते हैं, आप उसे एक यूज करने वाली चीज है कि यूज होता, हाँ बस यूज, बस उसका यूज करो। आज नौकरी के लिए प्रार्थना करा लो। मेरे भाई, अगर आपने उसे पिता मान लिया, आपको सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और शक्ति दे ताकि मैं तेरा आदर कर सकूं, तेरी आज्ञाओं पे चल सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, ही इज आवर फादर, और कोई हमारा पिता नहीं है। मैं आपको साबित कर सकता हूं, एक्स प्रेरितों का काम 17:26, वही हमारा पिता है, वही हमारा पिता है और कोई नहीं है। उस धरती को, इस संसार को रचने वाला हमारे लिए हमारा पिता है। ही इज ए क्रिएटर। हमारे पिता को उसने शक्ति दी है ताकि वो हमें संभाल सके। हमारा जमीनी पिता माध्यम है हमें पालने का। क्या लिखा है 17:26? उसने एक ही मूल से यानी कि एक ही लहू से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हालेलुया। उसने एक ही लहू से, एक ही मूल से मनुष्यों की सारी जातियों को धरती पर रहने के लिए बनाया है। एक ही मूल से वो है हमारा पिता, वो है हमारा स्वर्गीय परमेश्वर। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव, आप सोचिए ना, अगर आप उसे पिता मान लेंगे, क्या उसे छोड़ने की सोचेंगे कभी आप? आपका हाथ टूट जाए, आपका पैर टूट जाए, क्या अपने बाप को छोड़ेंगे आप कि पापा मेरा पैर टूट गया आपके संग रहते रहते? बोलेंगे आप? मैं तो परमेश्वर को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर को पिता नहीं माना, इसलिए उसकी आशीष नहीं पा पा रहे हैं आप। उसकी आशीष आपको तभी मिलेगी जब आप और उसका रिश्ता पुत्र और पिता और पुत्र का होगा। आप मेरी बात को समझिए। आप अपने घर में, हेलो, ध्यान दीजिए, आप अपने घर में अगर पुत्र की हैसियत से रहेंगे, पुत्री की हैसियत से रहेंगे, आपके माँ बाप आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे नहीं करेंगे? पिता पुत्र बनकर, पिता पुत्र और पुत्री बनकर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहां से लाएगा, कैसे काम करेगा? देखिए, आप अगर पुत्र और पुत्री बनकर अपने घर में रहेंगे आशीष पाएंगे, लेकिन जिस दिन आप बाप बन जाएंगे, जिस दिन अपने माँ को सताने लगेंगे, जिस दिन आप अपनी माँ को माँ नहीं समझेंगे, बाप को बाप नहीं समझेंगे, घर में रह पाएंगे आप? हाँ या ना? जिस दिन अपने घर में ही अपने माँ बाप को अपने माँ बाप मानने से इनकार कर दिया, उनका आदर करने से इनकार कर दिया, आप रह पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। ये संसार पिता ने बनाया है, ये संसार परमेश्वर का है, वो हमारा पिता है। मैंने जैसे पिछली बार कहा था, पिता एक ही होता है, उसका नाम एक होता है। मेरी बहन, इस चीज को कभी मत भूलिए। उसी ने
एक ही मूल से मनुष्यों की विभिन्न जातियों को विभिन्न परिवार बनाए, एक ही मूल से, पिता एक ही है, पिता एक है। जब तक आप उसके संग जुड़े रहेंगे मेरे भाई, तब तक आपको आशीष मिलेगा। जब तक आप उसके संग नहीं जुड़े होंगे, अय्यूब इसका उदाहरण, अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसके बच्चे छिन गए, उसकी दौलत छिन गई, उसके शरीर में फपोले आ गए, उसकी बीवी कहती है उस परमेश्वर की निंदा कर, अय्यूब जोब 2:10। प्रेज द लॉर्ड, सुनिए आपने अय्यूब की कहानी, सब कुछ छिन गया, क्या कहता है पढ़िए बेटा 2:10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये सेंटेंस, ये वचन बताता है कि अय्यूब परमेश्वर को अपना पिता समझता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आपके पिता का बहुत अच्छा समय था, आपके पिता ने आपको खूब खिलाया पिलाया, आपको गाड़ी दी, सब कुछ दिया, एक समय आया वो बर्बाद हो गया, उसकी फैक्ट्री चली गई, उसका काम चला गया, आप छोड़ देंगे पिता को? क्या कहेंगे अपने दोस्तों से, अरे यार यही मेरा पिता था यार, इसने मुझे नाजों से पाला है। हालेलुया, आज अगर मेरे पिता के दिन अच्छे नहीं है तो क्या मैं दुख ना सहूं? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अय्यूब का रिश्ता परमेश्वर से पिता पुत्र का था, इसलिए उसने कहा कि मैं उससे सुखी सुख लूं, दुख ना लूं। हालेलुया, आज अगर आपका बाप बूढ़ा हो जाएगा तो आप छोड़ देंगे उसे? आप दोस्तों से कहेंगे ना, जवानी में इस आदमी ने मुझे पाला बड़ा किया है, आज वो बूढ़ा हो गया काम नहीं कर सकता तो क्या मैं छोड़ दूं उसको? हेलो, क्योंकि आप अपने जमीनी पिता को पिता मानते हैं, उसको पिता नहीं मानते हैं। जिस दिन आप उसको अपना पिता मानेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे उसकी ताड़ना को, उसकी परीक्षाओं को, आजमाइशों को समझ जाएंगे आप। हालेलुया, समझ जाएंगे आप। उस दिन आपको शिकायत नहीं कहेंगे, उस दिन आप कहेंगे रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। इसमें मैं ऐड कर दूं, जो परमेश्वर को पिता मानते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। हालेलुया, इस वचन को अगर आप ऐड करना चाहें, हम कुछ नहीं है, परमेश्वर है, वचन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन इसको अगर मैं इस तरीके से समझूं कि अगर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर को पिता समझते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई उत्पन्न करती है, पिता समझते हैं, आप पिता समझना शुरू करिए मेरे भाई, आपके जीवन की हर लड़ाई वो लड़ेगा, वो लड़ेगा। आप कभी भी अपनी नौकरी में, अपने धंधे में, अपने काम में, कहीं भी आपको लगता है कि मैं हारने वाला हूं, और आपके घर में आपका पिता है, जैसे पिता की याद आती है आपके अंदर एक साहस आता है कि नहीं आता है? कोई बात नहीं है, मेरा पाप मेरे साथ है यार, आमीन, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरे पापा है, मैं पापा से बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर आपको दुख आए, आपकी नौकरी जाए, आपका धंधा जाए, कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, आपको लगे कि आपका जीवन खत्म होने वाला है, विश्वास करिए कि आपका परमेश्वर आपका पिता है, और वो आपके लिए हमेशा खड़ा है, हर पल खड़ा है मेरे भाई। जमीनी पिता सो जाएगा, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता कभी नहीं सोएगा। उसको पिता मानकर देखिए, अपना पिता मान लीजिए, कहिए कि नहीं तू मेरा परमेश्वर नहीं, तू मेरा पिता है। विश्वास करिए मेरे भाई, मेरी बहन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आप एक आनंद में जिएंगे, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद आपको मिलेगा।
एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास आपके अंदर होगा कि वो मेरा पिता है, मेरा पिता स्वर्गीय है, मेरा पिता रचयिता है, इस संसार को बनाने वाला मेरा पिता है। Praise the Lord. उसे पिता मानिए। यूहन्ना 15:4, आप जब तक उसके संग मिलेंगे नहीं, जब तक आप उसके संग बने नहीं रहेंगे, आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यूहन्ना 15:4 क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। आमीन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आगे, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। आमीन। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले कुछ नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिए मेरे भाई, आप कुछ नहीं है। जिस तरह डाली अगर दाखलता के साथ बनी नहीं रहेगी, वो नहीं फलेगी, उसको काट कर माली फेंक देगा और आग में झुलस जाएगी वो। उसकी तरीके से अगर हम उस परमेश्वर के संग, उस पिता के संग नहीं बने रहेंगे मेरे भाई, हम आशीष नहीं पाएंगे, हम सुख नहीं पाएंगे। आज से ये जो मैं आपको चाबी दे रहा हूं ना, इसको समझ लीजिए। वो परमेश्वर नहीं है, वो कौन है? आपका पिता। जोर से बोलिए, वो कौन है? आपका पिता। आज से उसे पिता कहने के कहिए, उसे बोलिए तू मेरा पिता है। महसूस करिए कि आपका पिता आपके साथ खड़ा हुआ है। अपना संबंध पिता से मजबूत करिए, हर पल हर क्षण कोशिश करिए कि मैं अपने पिता को कैसे खुश कर सकता हूं, कैसे खुश रख सकता हूं मैं अपने पिता को। अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए अपने पिता को प्रसन्न करना। कुछ मत करिए, अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए कि मेरे जीवन से मेरा पिता खुश हो। आपका धंधा, आपकी नौकरी, आपका हर चीज ऐसे चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे पिता कहती हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उससे हर चीज बनाई है। बाइबल कहती है हर चीज उसके द्वारा बनी गई, बनाई गई, और जो चीज बनी है उसमें वो है। जो भी शय बनी हुई आप देख रहे हैं इस धरती पर, हर उस शय में यीशु मसीह है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन हर पल हमें यह महसूस करना है कि हम उसके हैं। अपने रिश्ते को बनाइए, मजबूत करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई, आप सुबह उठिए, बोलिए पापा, उससे बात करिए, अरे वो आपसे बात करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बात करे। कौन सी तकलीफ उसके सामने बहुत बड़ी है क्या? आपकी कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंतिम समय में क्या होगा पता है? हर मकदौन में जब यीशु मसीह आएंगे राज करने के लिए हमारे साथ, तो शैतान मसीह विरोधी पूरे संसार की सेना को वहां इकट्ठा करेगा, ताकि जब हम नए यरूशलेम में आएंगे, जब हम यीशु के साथ आएंगे, स्वर्गदूत से, स्वर्ग से जमीन पर आएंगे, तो नीचे संसार की सेना इकट्ठा होगी हर मकदौन में। हालेलुया। फरात नदी को सुखाया जाएगा। ये छठी और सातवीं तुहरीर के पास होगा।
तुरी के बाद होगा, क्या करेगा? क्यों आएंगे वो लोग? क्योंकि यीशु को और हम जो सानवे आ रहे हैं, हमको मारें गोलियों से, आकाश में खत्म कर दें, आकाश में खत्म कर दें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है यीशु एक फूंक से उनको खत्म कर दे। वो है हमारा पिता, हालेलुया, वो है मेरा पिता। तो आप सोचिए कि आपकी मुश्किल कितनी बड़ी है। उसे अगर पिता बांध के रहेंगे ना, एक फूंक मारेगा आपकी सारी मुश्किलें खत्म। आप उसे पिता बना के तो देखिए, अरे उसके चरणों में आइए, उसे मांगिए, उसे बनाइए, तू मेरा पिता है, तू मुझे दे या ना दे, तू मेरा पिता है। मेरी बीमारी चंगी हो या ना हो, तू मेरा पिता है। मेरा धंधा चले या ना चले, तू मेरा पिता है। मेरा बच्चा हो ना हो, तू मेरा पिता है। उसका पिता बना लीजिए। मैं आपको खजाने की चाबी दे रहा हूं, उसको पिता बना लीजिए, बता रहा हूं मैं। आप अद्भुत सुख पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती दे रहा हूं उनको, चुनौती जिसको स्वीकार करनी है कर ले। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप आज से सच्चे मन से उसे पिता मानेंगे, आज का दिन नोट कर लीजिए, आज से आपकी सारी परेशानियां उसके ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे पिता मानना है, कुछ नहीं करना है। हमें कुछ आता भी नहीं है। धन्यवाद कि यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलवाया, हालेलुया। और हमें कुछ सीखना भी नहीं है। मुझे बुद्धि नहीं चाहिए इसके अलावा, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक मुझे रास्ता मिल गया कि वो मेरा पिता है, बस उसके अलावा मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मेरी दौलत मेरा पिता है, मेरा सुख मेरा पिता है, मेरी खुशियां मेरा पिता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐलान करिए, ऐलान करिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ ले ले, मुझे पिता मिल जाए बस, हालेलुया। मेरी बहन, आपकी शक्ति आपका पिता है। आप नहीं जानती हैं कि आप क्या मैं आपको दे रहा हूं आज, आप नहीं जानती मैं आपको क्या दे रहा हूं। आपको मैंने पिता दिया है, आज यीशु ने हमें पिता दिया है। महान है, दयालु है, उसकी कृपा सदा की है, पल भर की नहीं है, सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर का आशीष हमारे साथ है, वो पिता है। इसलिए क्या कहता है यूहन्ना 14 का 12 क्या कहता है? वो पिता है। आप पिता है ना? कितने लोग पिता है यहां पर, हाथ उठाइए। कितने लोग माए हैं, हाथ उठाइए। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा बढ़े? चाहते हैं कि आज जो मैं काम कर रहा हूं मेरा बच्चा ना करे यार। मैंने जो दुख झेले मेरा बच्चा झेले, कभी सोचते हैं आप? नहीं। मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर मैं 10,000 रुपए रोज का कमाता हूं तो मेरा बच्चा 20,000 रुपए रोज का कमाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हालेलुया, चाहते हैं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, पिता ऐसा चाहता है, यीशु ऐसा चाहता है। यूहन्ना 14 का 12, यूहन्ना 14 का 12, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है कि मैं उसका पिता हूं, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है पिता का दिल, ये है मेरे पिता का दिल, कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम मेरा बच्चा करेगा। ये हसरत किसकी होती है?
एक सच्चे पिता की, एक दयालु पिता की। मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक बने, मुझसे भी बहुत 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 बड़े, मैं उसके नाम से जाना चाहूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है। वही प्रभु कहता है कि जो मेरी आज्ञा पे चलेगा, दोबारा पढ़ो बेटे, दोबारा पढ़ो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं उसका पिता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं उसका पिता, क्या हूं, पिता हूं। एक बार दोबारा बोलिए, मैं क्या हूं, पिता। जोर से बोलिए, क्या हूं, पिता। जोर से बोलिए, क्या हूं, पिता। जो काम मैंने किए हैं उससे बड़े काम तू करेगा। इट्स लॉट, ये मंजिल है, ये रास्ता है, यही मार्ग दिखाने के लिए तो यीशु मसीह धरती पर आया, यही सत्य है, यही जीवन है, यही ज्योति है। मेरे भाई, उसको पिता मान लीजिए, उसको पिता मान लीजिए, सारे सामर्थ वो आपके अंदर भरेगा, उससे बड़े काम करेगा। हम कर सकते हैं उससे बड़े काम? यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, पानी पे चला, 10-12-15 हजार लोगों को रोटियां खिलाई, 40 साल तक परमेश्वर मन्ना खिलाता रहा, 20 लाख लोगों को, 25 लाख लोगों को, हालेलुया। वो क्या बोलता है, इनसे भी बड़े काम मेरा बच्चा करेगा। कौन? जो मुझे पिता मान लेगा, जो मुझे पिता मान लेगा, हालेलुया। कितने लोग उसे पिता मानना चाहते हैं, कितने लोग अपने दिल से उसे पिता मानना चाहते हैं? मैं आपके हाथ देख रहा हूं मेरे भाई, यहां से जाकर हाथ नहीं रुकने नहीं चाहिए। अगर आप दिल से उसे अपना पिता मानते हैं, आज परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। अगर दिल से आप उसे अपना पिता मानते हैं, बोलिए, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता रहेगा, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं पिता का दास हूं। अगर उसे आपने पिता मान लिया, आज से, अभी से, आपके जीवन की कोई भी बात उसे छुपाइए मत, उसे पिता मानकर उसके सामने समर्पित हो जाइए और विश्वास करिए, वो आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, हर जरूरत पूरी करेगा, तेरी कोख खोलेगा। तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तू उस पिता की बच्ची है जो जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता मेरा चरवा है, हालेलुया, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, बोलिए यीशु, जोर से बोलिए, यीशु मेरा पिता है, हालेलुया। मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी न होगी, मुझे कोई कमी घटी न होगी, मुझको हरे हरे चरागाहों में, मुझको हरे हरे चरागाहों में, सुखदायक झरनों के पास ले आता है, सुखदायक झरनों के पास ले आता है। मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी न होगी, मुझे कोई कमी घटी न होगी, मुझको हरे हरे चरागाहों में, मुझको हरे हरे चरागाहों में।
मेरा चरवाहा है, वो मेरे yes, Lord. जी में yes, प्रभु जी yes, राजा आता है, वो Yes, Lord. Yes, Rabu. Meri agwai karta hai. Apne naam ke nimitt. Sab log aaiye. Meri agwai karta hai. Meri agwai karta hai. Mera pita. मेरा चरवाहा है, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी ना होगी, मुझे कोई कमी घटी ना होगी, मुझको हरे हरे चरागाहों में, मुझको हरे हरे चरागाहों में, सुखदायक झरनों के पास ले आता है, सुखदायक झरनों के पास ले आता है, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, निश्चय भलाई yes, Lord. Yes, प्रभु मेरे साथ सदा रहेगी, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ सदा रहेगी, क्योंकि यस लॉर्ड यस परमेश्वर सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा, सर्वदा वास करूंगा, मेरा पिता मेरा चरवाहा